हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे सुन रहे हैं 40 फैक्ट ऑफ द डे पे। चलिए देखते हैं आज के कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज ही 1901 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोलकाता में जन्म हुआ। वीर सावरकर के राष्ट्रवाद से आकर्षित हो हिंदू महासभा में शामिल हुए। धर्म के आधार पर देश के विभाजन के प्रबल विरोधी रहे। नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री रहे। राष्ट्रहित की प्रतिबद्धता के चलते मंत्रिमंडल को त्याग कर 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन किया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त करने की वकालत की। 1953 में बिना परमिट लिए लागू कश्मीर गए, वहां उन्हें नज़रबंद कर दिया। 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 40 नंबर 2, दुनिया में पहली बार रेबीज का टीका लगाया गया। आज ही के दिन 1885 में फ्रांसिस वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा खोजे गए रेबीज के टीके को 9 साल के बच्चे को लगाया गया। जोसेफ मास्टर नामक इस बच्चे को 2 दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। दुनिया में इससे पहले कुत्ते के काटने का इलाज नहीं था। 40 नंबर 3, 44 साल बाद भारत चीन के बीच नथुला दर्रा खोला गया। आज ही के दिन 2006 में भारत चीन सीमा पर ऐतिहासिक नथुला दर्रा को 44 साल बाद व्यापार के लिए खोला गया। इस दर्रे से सिक्किम और तिब्बत के बीच कारोबार होता है। 1962 में युद्ध के बाद इस सामरिक महत्व के रास्ते को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।